सो माय नेम इज पंकज, बट अगर आपने बचपन में पढ़ा हो ना तो पंकज का मतलब होता है कमल का फूल, विच इज सो गुड, राइट, विच इज सो गुड. बट हियर इज द थिंग विच आई डिडंट नो एट दैट टाइम, कि कमल का फूल कीचड़ में उगता है. और जब मुझे पता चला, मैंने अपने माँ बाप को देखा, बड़ी डिस्कस्टिंग फीलिंग है मेरे को. नहीं, आप लोग पैदा हुए आपके बारे में, है ये क्या पैदा हो गया, मैं पैदा, मैंने कहा है ये कहाँ पैदा हो गया मैं. होता है आखिरी में आते थे. सो लिसन टू टुडे, आई एम टॉक अबाउट समथिंग विच लिटरली सक्स. आई एम नॉट टॉक अबाउट गर्लफ्रेंड, आई एम टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम. कास्टिज्म इन इंडिया लिटरली सक्स, कास्टिज्म. एंड टॉकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम, आई वांट टू टेल यू दैट यू नो आई एम अ राजपूत, ठीक है. और मुझे कभी घमंड नहीं हुआ, प्राउड, बिकॉज वी आर द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी नाउ. नहीं नहीं देखो, ब्राह्मण का बढ़िया अभी भी चल रहा है, पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है ना, ठीक है. बनियों का भी बढ़िया चल ही रहा है, एस सी एस टी का तो बढ़िया चल ही रहा है, मतलब है. एंड देखिए राजपूत यार, अब कुछ हो नहीं रहा है, मतलब लड़ाई वड़ाई भी अब होती नहीं है, और आजादी में भी कुछ उखाड़ा नहीं हमने. नल्ले बैठे हो ना, क्या कर रहे, कुछ नहीं यार, नल्ले बैठे, कुछ काम नहीं ब्रो. चलना ब्रो, प्रथमावती लगी है ब्रो, चलना. दीपिका की नाक काट के आते हैं ना ब्रो. बट यू नो द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम वर्क्स ऑन अ फैक्ट कि कौन सी कास्ट ब्रह्मा जी के कौन से बॉडी पार्ट से निकली है, दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड उस कास्ट की जो एफिशिएंसी, उसकी रिस्पेक्ट, डिपेंड अपॉन द बॉडी पार्ट ऑफ ब्रह्मा, बॉडी पार्ट ऑफ लाइक लाइक यू नो या ब्राह्मण्स कहते हो ब्रह्मा जी के दिमाग से निकले ना, मे बी दे डोंट हैव मच बट स्टिल. देन यू हैव राजपूत, यू नो क्षत्रिय, हाथों से निकले, हैंड्स, यू नो सच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कितना सही. देन यू हैव एस सी एस टीज, टांगों से निकले, सच अ गुड पार्ट, यू नो लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट. देन यू हैव समथिंग विच इज द मोस्ट अनमूवेबल पार्ट ऑफ हर बॉडी, यू नो द मोस्ट अनयूज्ड पार्ट, दैट्स अ स्टमक, और जहाँ से साले बनिए निकले. नो मैटर इनको गल्ले पे बैठना. सो एक बार क्या हुआ ना, यू नो वंस सन एंड डैड वर हैविंग कॉन्वर्सेशन. डैड, व्हाट इज अ कास्ट सर्टिफिकेट? सन, इट्स अ शॉर्टकट फॉर फ्यू पीपल टू गो टू सक्सेस. लाइक ओके, बट डैड माय टीचर टोल्ड मी कि सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं होती. सन, योर टीचर मस्ट बी फ्रॉम अपर कास्ट ना, दैट वाज शी टोल्ड यू. अच्छा, मेरा ना एक दोस्त है, नॉर्मली लोअर कास्ट है, तो ना प्लेन से जाता है जहाँ भी जाता है. मैंने कहा तो प्लेन से क्यों जाता है, ट्रेन से क्यों नहीं जाता, क्यों मैं प्लेन से, पैसे मेरे पास, ट्रेन से क्यों जाऊँ? मैंने ट्रेन से जाएगा ना क्यों, मैंने नहीं, उसमें टिकट रिजर्वेशन होता है ना. अच्छा, जाट कास्ट ना, वो भी मतलब अलग ही है. अच्छा, जाट लोग ना दिखावे में बहुत भरोसा करते हैं मालूम, मतलब ना बंदूक बंदूक होनी चाहिए, है ना, स्कॉर्पियो होनी चाहिए, डीटीसी में कंडक्टर की सीट होनी चाहिए. अच्छा, पता है सब पंडित है कोई यहाँ, पंडित? अब मैं बताऊँ, पंडित सबसे हराम है, मैं बता रहा हूँ. मतलब जहाँ पे जिस्म की भूख और पेट की भूख मिटाने की बात आएगी ना, ये वहाँ जाके बैठ जाते हैं. अरे मैं बता, मतलब पेट की भूख इनकी बढ़िया भुजी है भाई, मतलब बनी है ऐसी बंदा मैं ब्रो, नारियल के ऊपर का एक रुपया निकाल के दिखाओ तुम इनसे. पेट की भूख इनकी बढ़िया है, और जिस्म की भूख नहीं, पहले जमाने जब किसी को ना वरदान चाहिए होता तो इन्हीं के पास जाते थे, हमें 5 पुत्रों का वरदान दे दो. तो मजा तो उसको आएगा जिसने पूरी कौरव सेना खड़ी किया है. weird things happen in India, right? Weird things happen. I mean, seriously, like you know, you have America use laser technology. America uses laser to make, you know, high speed aircrafts, which is a good. Then you have, you know, Russia use laser to make, you know, submarines. Then you have Japan use laser to make, you know, medical benefits. Then you have Indians. We use laser to make Yamini Gautam more and more fairer. Hashtag laser treatment वाली fair and lovely. अच्छा, मेरा एक ना सरदार दोस्त है, ठीक है, अब बड़ा चढ़ा होता हूँ. तो एक बार क्या हुआ ना, हम लोग ढाबे पे गए खाना खाने, ठीक है, तो हमने तो ना 7-8 पराठे खा लिए उसने. मेरा जो पैसे मेरे, पेट तो तेरा है. तो कह रहा कोई नहीं यार, मैंने खा लेने, भूख लग गई. मैंने कहा ठीक है. हम जब तक घर गए तो कह रहा यार पेट में गैस बन रही है यार मेरे पेट में. मैंने कहा किसने बोला था दवाई खा ले, किसने बोला था इतना खाने के लिए दवाई खा. नहीं यार, दवाई वाई छट दे, मैंने 2 पराठे और दे दे, गैस के लिए जगह ही नहीं छोड़ूंगा. तो
अच्छा मेरे ना एक मेरी गर्लफ्रेंड है एंड शी इज अ मुस्लिम, ठीक है, यू कैन गिव मी चेयर फॉर दैट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, है ना. तो मेरी गर्लफ्रेंड शी इज अ मुस्लिम. तो एक बार क्या हुआ ना कि मेरी उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, ठीक है. तो मैं जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पीट रहा था ना, तो साइड में रो रही थी एंड आई वॉज वंडरिंग कि उसकी खुशी के आंसू है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड पिट रहा है, या दुख के आंसू है क्योंकि उसका भाई पिट रहा है. So that's all from Kancha this side. Yeah, I mean, few friends of mine call me Kancha. And I have a story कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरी आंखें ऐसी थी, तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम कांचा रख दिया. सो नो मैटर. सो आई विल लाइक गिव लाइक बेस्ट जोक ऑफ माइंड नाउ. सबसे बढ़िया जोक मेरा, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एट कांचा मेनिया. इट्स KNCHAMANIA, ये जरूर रखना. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू सो मच.